हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। और दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ बात करने जा रहा हूँ जून के कंप्लीट करंट अफेयर्स को लेकर। दोस्तों, कोशिश पूरी की जाएगी आज एक सिंगल वीडियो में हम पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करें जून का। और इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी चीज़ें आपके बैंक एग्जामिनेशन, एसएससी और रेलवे सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं फिर सेशन को स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या है आज का आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूजेस या जून की क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं। लीजिए दोस्तों, तो सबसे पहले अगर बात करा जाए तो अभी हाल ही में दोस्तों टीवी नरेंद्रन जी को अपॉइंट कर लिया गया है प्रेसिडेंट इसका सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, और ये 2021 से 22 के लिए चुने गए हैं। दूसरी चीज, ये आपको पता होना चाहिए, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मिस्टर उदय कोटक की जगह ये दोस्तों आए हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा टाटा स्टील के चेयरमैन के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों नटराजन चंद्रशेखर इसके चेयरमैन हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। लीजिए, तो नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करा जाए तो बच्चों, अभी हाल ही में सीबीडीटी के मेंबर हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन का 3 महीनों के लिए, मतलब 3 महीनों के लिए इनको सीबीडीटी का चेयरमैन बना दिया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है दोस्तों, पीसी मोदी को रिप्लेस करा है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये सीबीडीटी के बारे में इंफॉर्मेशन, ये आप आराम से घर पे करिए रीड दोस्तों, स्टैटिक जी का आप आराम से घर पे रीड कर लेना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मैं न्यूज़ जो है आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अगली न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक जो कि पुणे में बेस्ड है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो एक सिंपल सी न्यूज आ गई। तो अभी हाल ही में कौन से बैंक का लाइसेंस किया है जून में, शिवाजी राव, ये कहाँ का बैंक है दोस्तों, पुणे पर बेस्ड आपका बैंक है, आपको ध्यान रखिएगा। अब ये जो है बोला गया है कि 31 मई से अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए नेक्स्ट लीजिए भाई, भाई अभी हाल ही में फार्म इजी ने बोला है कि हम मेड लाइफ को एक्वायर करने जा रहे हैं, मीन्स फार्म इजी मेट लाइफ को खरीद रहा है और इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनका सपना है कि हम इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी बनाएंगे। किसको खरीद कर? मेट लाइफ को खरीद कर, ये अभी फार्मेसी के द्वारा बोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भाई, नाटो का नाम सुना होगा आपने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर भी याद रखना ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। तो इसके द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया गया है स्ट्रीट फर्स्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों जो हमारी कहाँ पे हो रही है, यूरोप में हो रही है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। अभी एक सिंपल वे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रीट फर्स्ट डिफेंडर 21 गेम वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, नाटो के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे जो हमारे जो अमेरिका के हमारे जो ट्रुप्स हैं, ठीक है, जो वहाँ की सेना है, उन सब वो एबिलिटी देखा जाएगा कितने एलिजिबल हैं, वो सब चीज़ें हमारी चेक होंगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड से क्या करा गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक, और किस चीज के लिए, ड्यू टू टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और आपको पता है बच्चों, वर्ल्ड नो टोबैको डे वाले दिन ये काम किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब होता है, 31 मई वाले दिन बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। WHO के बारे में बातचीत करें फ्रेंड्स, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, और टेड्रस एधानम इसके क्या है, आपके डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रवि शास्त्री जी के द्वारा एक बुक लिखा गया है और इसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और इसको जो पब्लिश किया गया है दोस्तों, याद रखना, हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया, और जो को ऑथर किया गया है आयाज मेनन जी के द्वारा इसे को ऑथर किया गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत अच्छा भाई, अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी के जो रिसर्चर्स हैं, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बनाया है स्मार्ट विंडो मटेरियल। तो स्मार्ट विंडो मटेरियल क्या करता है, ये दोस्तों जो हमारा कार्बन इमिशंस है उसको ये कम करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और ये जो स्टडी लिखी गई है, जो पब्लिश हुई है, जर्नल है एक हमारा सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल, इस जर्नल में इस स्टडी को पब्लिश किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये स्टडी कहाँ पे है, तो आपको बताना चाहिए।
अगली न्यूज से देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों टीसीएस ने बोला है कि हम अपना एक इनोवेशन हब बनाएंगे, और कहाँ पर? एम्स्टर्डम में बनाएंगे, यानी कि नीदरलैंड में बनाएंगे। और याद रखना, ये फर्स्ट यूरोपियन इनोवेशन सेंटर होगा किसका? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और इसको नाम दिया गया है टीसीएस स्पेस फोर्स के नाम से इसको जाना जाएगा। चलिए अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो अभी हाल ही में बच्चों डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं पॉल स्केटर, इनकी हाल ही में क्या हो गई है? डेथ हो चुकी है। ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कब से कब तक थे दोस्तों? 1982 से 1993 तक इन्होंने डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया था। लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसने भाई इंडिया के लिए अभी जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है वो बोला है 9.9% 21 से 22 के लिए, जैसे कि पहले अगर बात किया जाए तो 12.6% बोला गया था। इसके अलावा बच्चों ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में भी यहाँ पर बात बोली गई है, और उन्होंने एक्सपेक्टेड किया है कि 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी 5.8% तक ग्रो कर सकती है, जैसे कि अगर बात करें दिसंबर में 4.2 की बात बोली थी, यानी कि अपना प्रोजेक्शन चेंज कर दिया है, ऐसा ओईसीडी के बारे में ओईसीडी के द्वारा बोला गया है। अगले न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई भाई, अभी हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिससे कि जो हमारे कोविड-19 जो रिलीफ मटेरियल जैसे वैक्सीन है, ड्रग्स है, टेस्टिंग के वेंटिलेटर्स, यहाँ पे जीएसटी एग्जेम्पशन को लेके बातचीत हो सके। और इसके लिए 8 मेंबर का आपका पैनल बनाया गया, और याद रखना इसको जो हेड किया गया था मेघालय के सीएम कोनार्ड के संगमा के द्वारा हेड किया गया था, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगली न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई भाई, अभी हाल ही में एक नोबेल है जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रथ 2003 टू 2020, इसको अभी लिखा गया है सलमान रश्दी के द्वारा, मतलब एक कलेक्शन लेके आए ऐसे का सलमान रश्दी जी, और इसको पब्लिश किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया है, ये आपसे यहाँ पे बात बोली गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई भाई, अभी हाल ही में इंडिया की पूजा रानी ने जीता है 75 किलोग्राम वुमेन्स मिडिल कैटेगरी में गोल्ड मेडल, कहाँ पर? 2021 एशियन अमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? दुबई में हुआ था। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इंडियन वुमेन्स ने टोटल ओवरऑल 10 मेडल जीते हैं इस टूर्नामेंट में, जिसमें से एक गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आखिर गोल्ड तो हमने जीत लिया, पूजा ने जीता है, सिल्वर किसने जीता? मैरी कॉम ने 51 कैटेगरी में जीता है, लाल बुआट साहनी ने जीता है और अनुपमा कुंडू ने जीता है, याद रखिएगा। अगली न्यूज से देखते हैं। लीजिए भाई भाई, अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल जी, इनके द्वारा वर्चुअली कमीशन किया गया है ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीजी सजग, और ये कहाँ पे करा गया है दोस्तों? इंडियन कोस्ट गार्ड में इसको हमारा कमीशन किया गया है, ठीक है। और इसको जो बनाया गया था ओपीजी सजग, जो बनाया गया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है दोस्तों, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए अगले न्यूज देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई भाई, अभी NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोजेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके द्वारा अभी ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों बाल स्वराज, जो एक हमारा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो खो चुके हैं या फिर अपने एक तरीके से किसी ने अपने माँ को खो दिया है या पापा को खो दिया है, दोनों को खो दिया है, पेरेंट्स को खो दिया है, उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च करा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए। और यस, किस में खो चुके हैं? ड्यू टू कोविड-19, जैसे कि आप सब जब जानते हैं दोस्तों कोविड ने कितना लोगों का नुकसान किया है, उसी समय जो है आपका उनको मदद करने के लिए इनिशिएटिव लाया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसकी चेयरमैन प्रियंका कानून को प्रियंक कानून को है, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगली न्यूज से दोस्ती करते हैं। लीजिए भाई बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बोला है कि ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर जो कि जिसमें अर्निंग मेंबर कोविड के कारण जिनकी डेथ हो चुकी है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, और उसके लिए यहाँ पे मोदी जी के द्वारा स्कीम लाई गई है। कौन कौन सी? एक तो पेंशन स्कीम लाई गई है, फैमिली पेंशन, जो ईएसआई के अंतर्गत काम करेगा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एक आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन लाया गया है, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम EDLI लाया गया है। अब याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जा रहा है वो होगा 6 से 7 लाख के बीच में, पहली चीज, और यहाँ पे जो मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट होगा वो आपका 2.5 लाख है। और एक इम्पॉर्टेंट, ये जो एप्लीकेबल होगा बेनिफिट ऐसे लोगों के ऊपर होगा जिनमें
जिनका साथ जो ये घटना घटी है 24 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च 2022 तक के बीच में हुआ है, मतलब ये बेनिफिट इसके बीच में एप्लीकेबल होगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, भाई अभी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर का काम करता है दोस्तों, इसने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव और उसका नाम है युवा। एक्चुअली ये जो युवा इनिशिएटिव है, ये हमारे जो यंग ऑथर्स हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटिवेट करने के लिए कह सकते हो, उनके लिए लाया गया है। अब युवा युवा का मतलब ही समझ जाओ यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, है ना, तो उनके लिए लाया गया है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है उसका नाम है NBT, यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। और यहाँ पे बोला गया है दोस्तों 6 महीने तक पर ऑथर को 50,000 रुपये की पर मंथ की स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो भी इस स्कीम के तहत आपके सेलेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में दोस्तों 3 इंडिया के पीस मेकर्स हैं, उनको जो है पॉस्थ्यूमसली यानी कि मरणोपरांत सम्मान दिया गया है यूनाइटेड नेशंस पीस मेकिंग मिशन 2020 के में, जो उन्होंने अपना सर्व किया था उसके कारण। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं चलिए एक बार मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है दोस्तों ना, उसमें एक मेडल दिया जाएगा, उस मेडल का नाम है डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल। अब ये किस किस को दिया जाएगा, एक हमारे युवराज सिंह है, एक है हमारे इवेन माइकल पिकार्डो, और एक है मूलचंद यादव। इन 3 पर्सनैलिटियों को मरणोपरांत हमारा ये मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक्चुअली टोटल तो 129 हमारे कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 3 इंडियन, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए और देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम 10 लाख रुपए रखने जा रहे हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए प्रोवाइड करने जा रहे हैं किसको, ऐसे बच्चों को जो कि बेचारे अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण। और ये 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जब वो आपका 18 साल के हो जाएंगे, उनको उस समय दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशन को कर सकें। और ये जो सपोर्ट किया जाएगा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत ये बात बोली गई है दोस्तों। इसके अलावा सारे बच्चों को यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भी एनरोल किया जाएगा, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी देने की बात बोली गई है, ये भी आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए बच्चों, अगले न्यूज के बारे में बात किया जाए तो अभी जो मध्य प्रदेश है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के लिए टोटल एलोकेशन किया है 5117 करोड़ का, जिससे कि जल जीवन मिशन के टारगेट को पूरा किया जा सके, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और अगर बात करा जाए टोटल जल जीवन मिशन के लिए दोस्तों रखे गए हैं 50,000 करोड़ रुपए, जिसमें हमारा सभी रूरल हाउसहोल्ड्स को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देने की बात बोली गई है 2024 तक, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भी बोला है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं ड्यू टू कोविड-19, उनको भी हम हेल्प करेंगे और उनको जो है 5 लाख रुपए का मदद दिया जाएगा, उनकी FD करा दी जाएगी, और ये पैसा जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? अगर किसी का एक पेरेंट खो गया है, मतलब यार माँ नहीं रही है पापा नहीं रहे, तो उनको 3 लाख रुपए का रिलीफ दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीव भाई, जैसे कि अभी आपने देखा अलग अलग हमारे बच्चों की मदद करने के लिए स्कीम्स आई हैं, वैसे ही असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा जी ने बोला है मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी स्कीम, और इसमें भी हम ऐसे बच्चों को मदद करेंगे जो बेचारे हमारे अनाथ रह गए हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप या दोनों को खो दिया है। और इसमें इन्होंने बोला है हम 3500 फाइनेंशियल रुपए का फाइनेंशियल एड देंगे हर महीने, मतलब 3500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और अगर कोई लड़की ऐसी है जिसकी शादी होने वाली है तो उस केस में 1 तोला गोल्ड प्रोवाइड किया जाएगा अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत, और वन टाइम फाइनेंशियल हेल्प 50,000 रुपए की दी जाएगी, ऐसा भी असम सरकार के द्वारा बोला गया है, याद रखिएगा। देखा जाए तो दोस्तों बहुत अच्छी स्कीम है, आगे देखते हैं। लीजिए भाई, जैसे कि आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश भी लेके आया है बाल सेवा योजना, और ये स्कीम दोस्तों लाई गई है बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 4,000 रुपये का, यानी कि हर महीने 4,000 रुपये देने की बात बोली गई है। और जो लड़कियां हैं जो शादी की उम्र की हो चुकी है, उन्हें 1,01,000 रुपये देने की बात बोली गई है, जिससे कि उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की जा सके, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। लो भाई,
अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जनरल जम्मू कश्मीर के मिस्टर मनोज सिन्हा ने भी लॉन्च किया है एक स्पेशल स्कीम ऐसे लोगों के लिए जो कि जिनके जो ऐसे लोग ऐसे इंसान को खो चुके हैं जिनके बदौलत उनका कह सकते हैं ना रोजी रोटी चल रही थी, ब्रेड अर्नर था जो घर का, है ना, जो एक तरीके से एक क्या कहते हैं उसे दोस्तों, एक प्रॉपर वर्ड होता है ना, पैसे कमा के लाने वाला एक कर्ता, कर्ता जैसे आप बोलते हैं हिंदी में वर्ड होता है ना, घर में उस अगर आप किसी फैमिली ने ऐसा पर्सन को खो दिया है तो उनके लिए स्कीम लाए हैं। और ये स्कीम है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर COVID-19 मोर्टेलिटीज, और इसमें 1,000 रुपये पर मंथ देने की बात बोली गई है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 20,000 रुपये पर एनम की स्कॉलरशिप भी देने की बात बोली गई है जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और 40,000 रुपये पर महीना कॉलेज जाने वाले बच्चों को दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी स्टडी कर सकें, ये भी मनोज सिन्हा जी के द्वारा बोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई बहुत बढ़िया न्यूज़ भाई, पेटीएम ने बोला है कि हम लेके आ रहे हैं, जल्दी लेके आएंगे $3 बिलियन का आईपीओ, यानी कि 22,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। और याद रखना दोस्तों ये इंडिया के इतिहास में अगर ये आईपीओ आ जाता है तो सक्सेसफुली आया तो बिगेस्ट आईपीओ होगा आज तक का, क्योंकि इससे पहले 2010 में कोल इंडिया लाई थी 15,475 करोड़ का आरपीओ, जिसका रिकॉर्ड पेटीएम का आईपीओ तोड़ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई भाई अभी हाल ही में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको भी बोला गया है कि आप भी भाई सीधी सी बात है कोरोना में जो इफेक्ट हुआ है आप उनको जो है हेल्प करें, है ना, लोगों को। तो इसके लिए बैंकों ने बोला है कि हम 5 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल्स को, जिससे कि वो अपने COVID-19 ट्रीटमेंट का जो उसका इलाज होगा वो अपना कंप्लीट करा सके अपना किसी फैमिली मेंबर का। साथ में दोस्तों इसके अलावा हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो कि 2 करोड़ तक का दिया जाएगा, और बिजनेस लोन फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो कि 100 करोड़ तक का दिया जाएगा, ये भी दोनों के दोनों लॉन्च किए गए हैं हमारे पीएसपीस मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई एक सिंपल सी न्यूज है दोस्तों, रेमंड ने अभी चुन लिया है हरमोहन साहनी को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप ध्यान रखिए क्वेश्चन सीधा पूछेगा अभी हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं दोस्तों, रेमंड के हरमोहन साहनी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई अभी हाल ही में यूएस सीनेट ने बोला है क्रिस्टाइन बॉर्मुथ को, ये इनको अपॉइंट करने जा रहे हैं दोस्तों क्या सेक्रेटरी ऑफ आर्मी। लीजिए भाई और पहली फीमेल है जो इस रोल के लिए अपॉइंट की गई है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। लीजिए अगले न्यूज बच्चों, जैसे कि मैंने अभी बताया था हाल ही में वर्ल्ड नो टबैको डे होता है हमारा, 31 मई वाले दिन बनाया गया, और इस बार का जो थीम देखा गया था वो था कमिट टू क्विट, ये भी आपको पता होना जरूरी है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो आज जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ बेटा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, सीधे टू द पॉइंट की बातें हैं, फालतू की चीजें मैं आपको आज नहीं करूंगा क्योंकि हमें पूरे मंथ का करंट पढ़ना है, बात समझ सकते हो दोस्तों, इतनी सारी खबरें एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो टू द पॉइंट नो बकवास, क्लियर। अगली न्यूज लीजिए भाई भाई अभी हाल ही में 1 जून को एक डे बनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए हर साल 1 जून वाले दिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के तौर पर मनाया जाता है जिससे कि पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दिया जा सके। लीजिए भाई वर्ल्ड मिल्क डे भी दोस्तों याद रखें, ये भी मनाया जाता है 1 जून वाले दिन, और इस बार का जो थीम रहा था वो था सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर, ये इसका मेन पर्पस था, इसका थीम रहा था वर्ल्ड मिल्क डे। और याद रखना इसको बनाया गया था FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 में, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए लीजिए भाई 2 जून वाले दिन आपको बात करा जाए तो तेलंगाना डे या तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ये दिन 2014 से मनाया जाता है, आपको पता होगा 2 जून 2014 वाले दिन तेलंगाना को स्टेब्लिश करा गया था, ये तेलंगाना स्टेट बना है, और इसके जो पहले सीएम बने थे चंद्रशेखर राव थे, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए इसके अलावा बात किया जाए तो भाई अभी हाल ही में WHO ने दो कोविड वेरिएंट हैं इंडिया में उनके आइडेंटिफाई करा, उनको एक नाम दे दिया गया है, और इन वेरिएंट के नेम पहले एक्चुअली बताता हूँ, एक है हमारा 1.617.1 और एक है B.161, ये बी है बेटा इससे पहले भी B.161, एक है लास्ट में 1, एक है लास्ट में 2, एक सिंपल में ऐसे याद रखो पूरा पूरा सेम है ये, इन दोनों के नाम रखेगा, एक का नाम है कप्पा एक का नाम है डेल्टा, ये आप याद रखिएगा, अभी WHO ने इनका नाम रखा है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात किया जाए तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में लॉन्च किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्टर्स राइट
टूवर्ड्स विलेज साइड प्रोग्राम। लीजिए भाई, डॉक्टर राइट टूवर्ड्स विलेज राइट, यानी कि समझ गए होंगे डॉक्टर जो है किधर की तरफ मूव करेंगे, विलेजेस की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि कर्नाटक में जो विलेजेस पर्सन हैं उनको हेल्प किया जा सके, उनको मेडिकल सर्विस दी जा सके। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में लखनऊ में बेस्ड है आरडीएसओ, आरडीएसओ का फुल फॉर्म देख लो, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये पहली स्टैंडर्ड बॉडी है दोस्तों हमारे पूरे देश की, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो हमारी आरडीएसओ है इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है, किसके द्वारा? बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, ठीक है, ये भी पता होना जरूरी है। और ये 3 साल के लिए इसको रिकॉग्नाइजेशन वैलिड हो चुका है। अगर मैं वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम के बारे में बात करूं तो याद रखना दोस्तों ये 2019 में लाई गई थी, ये भी पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई भाई, अभी एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है इको रैप, उसने बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रह सकता है वो आपका 7.9% रह सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 21 से 22 के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए, और एसबीए के बारे में आप जानते हैं, दिनेश कुमार खारा जी इसके चेयरमैन है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में दिनेश के त्रिपाठी जी को बनाया गया है चीफ ऑफ पर्सनल। तो एक सिंपल वे में लीजिएगा, डीके त्रिपाठी क्या बने हैं दोस्तों? चीफ ऑफ पर्सनल के तौर पर बनाए गए हैं। और ये डीके त्रिपाठी जी क्या हैं? आपके वाइस एडमिरल हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चों, अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला है कि ये हाथ मिलाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी कि ईएससी के साथ, जिससे कि जो हमारे स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स हैं उनको, मतलब एक तरीके से उनके जो बेनिफिट्स हैं, लिस्ट होने के बेनिफिट्स उनको बताए जा सकें, उनको लोगों को या फिर जो हमारे स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स हैं उनको क्या कराया जा सके, अवेयर किया जा सके क्या क्या बेनिफिट होते हैं लिस्टेड होने के। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में केरल बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है बॉक्सॉप, और इसने हाथ मिलाया है महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के साथ, और ये लॉन्च किया है क्या, लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए इसने एक बहुत ज्यादा सस्ता कह सकते हैं इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल उसको जो है लमसम बेनिफिट प्लान मिलेगा 25,000 रुपये का, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, इसको चैन नहीं है, सबको दुनिया को चैन है भाई। चाइना ने सक्सेसफुली अभी परीक्षण कर लिया है ऑटोमेटेड कार्गो रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम रखा है इसने तियानजू 2, ठीक है। तो ये भैया तियानजू 2 और हेवनली वेसल का इसने अभी परीक्षण करा है, और ये जो ब्लास्ट ऑफ किया गया है किसके द्वारा? लॉन्च मार्च 7 Y3 रॉकेट के द्वारा, और इसका जो स्पेस सेंटर है वैंगचिंग स्पेस सेंटर से इसको करा गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, चाइना का पहला सेल्फ डेवलप स्पेस स्टेशन 2022 तक बनने का एक तरीके से इसका सपना है, उसके लिए सारा काम किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये चाइना के द्वारा बारे में बात बोली गई, फिलहाल ये सारी चीज आपको पता होनी जरूरी है ना। आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में जूलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने क्या करा है, जो हमारी एक हेड थी टीम की रंजना जयसवारा, इनके द्वारा एक टीम के द्वारा अभी डिस्कवर किया गया न्यू स्पीसीज इसकी स्पाइडर क्रिकेट की, जिसका नाम है इंडीमीमस जयंती, ये नाम रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। एक्चुअली ये जो नाम रखा गया है जयंत विश्वास के द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रोफेसर हैं, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये कहाँ मिली है बच्चों? छत्तीसगढ़ की कुर्रा केव्स में मिली है, ये भी पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है NHRC के नए चेयरपर्सन बन गए बेटा, इनका नाम है मिस्टर अरुण कुमार मिश्रा, आपको सीधे सीधे पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई भाई, सिंपल, अभी हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प ने बोला है बेटा हम अदर पूनावाला जी को बनाने जा रहे हैं अपना चेयरमैन, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। आपने नाम सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट का, तो भाई उसी के हेड हैं अदर पूनावाला जी, इनको अपना मैग्मा फिनकॉर्प ने क्या बनाया है चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट करने के बोला है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, अभय बुताटा को MD और विजय देशवाल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की भी यहाँ पे बात बोली गई है। मैग्मा फिनकॉर्प के बारे में याद रखना, हेडक्वार्टर्स का वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जो रवनीत सिंह है,
वाइस एडमिरल इनको बनाया गया है डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एक सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अभी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? रवनीत सिंह जी को चुना गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम सुना होगा, इसने अभी विक्रमजीत सेन को चुन लिया गया है अपना चेयरमैन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विक्रमजीत चेयरमैन कौन बने हैं? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अभी हाल ही में चेयरमैन चुने गए हैं। आगे देखते हैं, लीजिए भाई। और जो अभी हाल ही में टी एम कलीनन गोंडर, जो कि हमारे आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है असेंबली, ठीक, उसके मेंबर थे। तो इनकी एज हो चुकी है बच्चों आपके 101 साल की उम्र में, लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर आपके मेंबर रह चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनके हाल ही में डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल मैं आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए बच्चों। अभी 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है उसको हुआ था हमारा, उसने डिसीजन लिया है कि हम 30 जनवरी को बनाएंगे वर्ल्ड नेगलेटेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। सिंपल में याद रखना, WNTD डे कौन सा बनाने की बात बोली गई है? 13th ऑफ जैन को जो है हम वर्ल्ड नेगलेटेड ट्रॉपिकल डिसीज डे के रूप में बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में बोला गया है। लीजिए भाई, अभी इफको का नाम सुना होगा आपने, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसने बोला है कि हम आने वाले महीने में हम क्या लॉन्च करेंगे, नैनो यूरिया लॉन्च करने जा रहे हैं। और दोस्तों तो इसकी बड़ी क्वालिटी है अच्छी, ये 500 ml नैनो यूरिया बच्चों 240 रुपये का मात, और ये 45 किलो नॉर्मल यूरिया के बराबर है। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा चीज है ये, है ना। आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों। अभी हांगकांग की माउंटेनर है, इन्होंने अभी एक जो है नया रिकॉर्ड क्रिएट करा है, चलो जानते हैं। देखिए भाई, मिस सैंग इंग होंग 45 साल की, इन्होंने अभी जो है वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पे इन्होंने भाई मतलब चढ़ के ऊंचाई का हासिल कर ली है, पहुंची है वहां पर, और उन्होंने भाई अपना देश का नाम इन्होंने क्या करा है अभी ऊंचा कर दिया है, ठीक है। अब इनके बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों इन्होंने ये जो है आपके कहाँ से है, हांगकांग से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा जो है आर्थर मुइर, जो 75 ईयर्स के हैं और ओल्डेस्ट अमेरिकन है जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पर आपके चढ़ चुके हैं, ये भी आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए भाई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने अभी जो है चाइना एप्लीकेशन फॉर नेमिंग 8 न्यू फीचर्स ऑन द मून, मतलब अभी IAU ने कंफर्म करा है कि 8 फीचर्स ऑन मून विथ चाइनीज नेम, मतलब क्या है कि चाइनीज नेम से अभी 8 फीचर्स ऑफ मून जो है अभी IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा आपके बताए गए हैं, अप्रूव कर दिया गया है चाइना के एप्लीकेशन के, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर बोला गया था, चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों। अभी हाल ही में एक बुक है जिसका नाम है सावरकर कंटेस्टेंट लीजेसी, इसको लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा, याद रखिए, और इसको पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, नीचे बताएं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में 2020-2021 यूफा चैंपियन लीग फाइनल में चेलेसा ने मैनचेस्टर सिटी को लपेट दिया है, और ये हुआ था दोस्तों कहाँ पे? पोर्टुगल में आपका हुआ था टूर्नामेंट, ये भी आपको बताना जरूरी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे बहुत अच्छी न्यूज है, अभी हाल ही में वाइस चांसलर रह चुके हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी के फॉर्मर हैं, पहले रह चुके हैं एम आनंद कृष्णन, इनकी बच्चों हाल ही में डेथ हो चुकी है, ये जो है बेटा 93 ईयर्स के थे, और ये भैया इनके बारे में बात किया जाए तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द IIT कानपुर के भी चेयरमैन रह चुके हैं, इनके अचीवमेंट्स हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई भाई अभी हाल ही में एक हमारा कह सकते हैं एक AI बेस्ड सॉल्यूशन है जिसका नाम है एक्सरे सेतु बनाया गया है, जो कि हमारे COVID-19 को डिटेक्ट करेगा रूरल पॉपुलेशन में, और किसकी मदद से दोस्तों? आपके व्हाट्सएप की मदद से। तो कितनी अच्छी चीज़ है ना, तो व्हाट्सएप की मदद से इसको पता कर लिया जाएगा, और ये जो है बनाया किसके द्वारा गया है, डेवलप किया गया है आर्ट पार्क यानी कि AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क के द्वारा, जो कि हमारा इस्टेब्लिश किया गया है IIT IISc बेंगलुरु के द्वारा, किसके साथ मिलकर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा कोलेबरेट किया गया है बेंगलुरु बेस्ड हेल्थ टेक स्टार्टअप नीरामाई एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन सभी के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लो भैया बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा व्हाट्सएप ने अभी अपॉइंट करा है ग्रेवियंस ऑफिसर ऑफ इंडिया, उनका नाम है परेश बीलार, ये आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि
आपको सभी को ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो उसी के तहत ये काम किया गया है। लीव। अगले न्यूज के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों भी CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी यानी कि CCMB हैदराबाद के नए डायरेक्टर बन चुके हैं विनय के नंदीचूर। तो ये आपको पता होना चाहिए, विनय के नंदीचूर बने हैं इसके अभी हाल में नए डायरेक्टर, पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों, अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ केन्या के हैं पैट्रिक अमोथ, इनको चुन लिया गया है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन फॉर 1 ईयर। लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये किसको रिप्लेस करेंगे दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन को रिप्लेस करेंगे। 2 जून वाले दिन का टेनर पूरा हो चुका है। लेकिन याद रखना दोस्त, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है एज ए WHO का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके मेंबर के तौर पर काम करते रहेंगे 2023 तक। ये बात को ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई, इसराइल के हाल ही में अभी नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं आइजैक हर्ज़ोग, ये आपको पता होना जरूरी है। और ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने रियुवन रिवलिन को अभी क्या करा है, रिप्लेस किया है। चलिए आगे देखा जाए। लीजिए भाई बच्चों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बोला है मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 और जो 2031 के होंगे उनमें फिर से हमारा 14 टीम होंगी, 14 टीम होंगी, ठीक है, और 54 मैच टूर्नामेंट होंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली हुआ क्या था, 2019 के वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें केवल 10 टीम थी, ठीक है, और 2015 के वर्ल्ड कप में 14 टीमें थी, तो फिर से 14 टीमें लाने की बात चल रही है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भी 20 टीम्स होंगी, और इसको जो है जो हमारा ये टूर्नामेंट होगा ये हमारा every 2 years में होगा, 2024 से 2030 के बीच में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखिए भाई जो अभी हाल ही में संजीत कुमार जी ने 91 किलोग्राम कैटेगरी में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीत लिया है, कहाँ पे, आपका एशियन अमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुआ था, दुबई में हुआ था, याद रखिए। और इन्होंने किसको हरा दिया है दोस्तों, वैसिली लेवेट को हराया है, कजाकिस्तान के, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई जो 3 जून वाले दिन अभी हाल ही में एक डे बनाया था वर्ल्ड बाइसिकल डे या इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये आपको पता होना जरूरी है। और ये बाइसिकल के क्या क्या बेनिफिट है, कैसे हम अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं, वो सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। चलिए आगे देखा जाए। लो भैया भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ड्राफ्ट ऑफ मॉडल टीनेसी एक्ट, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और ये हमारे जो ओनर और टीनेंट होते हैं यानी किराएदार और जो मालिक होता है उसके बीच में जो हमारा एग्रीमेंट वगैरह है उसको लेके बातचीत की जा रही है। आगे देखा जाता है। लीजिए बच्चों, अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है सीड मिनी किट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, ये जो है आपका बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिनेमिक मिनी किट, और जिसमें हायर वैरायटीज जो हमारी सीड्स की होती है अच्छी क्वालिटी होती है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आगे देखा जाए भाई, HDFC बैंक ने बोला है कि हमने इंस्टॉल किए हैं मोबाइल ATMs 50 से ज़्यादा, लगभग 50 शहरों के अंदर, जिसमें जो है हमारे क्या हो सकते हैं ओवर 15 ट्रांजेक्शन पाई कस्टमर किया सकते हैं, विच कैन बी का यूज फॉर, मतलब आप समझ सकते हो ये ATM ऐसे होंगे HDFC बैंक के जो लॉन्च करे हैं 50 शहरों में, जहाँ पे हम 15 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं भाई, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल, इंडियन एयरफोर्स ने अपॉइंट किया है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अपना नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर हेडक्वार्टर्स में, ये भी आपको बताना चाहिए, यानी कि विवेक राम चौधरी जी वाइस चीफ, नेक्स्ट हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पर बनाए गए हैं। लीजिए अगला न्यूज़ देखा जाए तो भाई, अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जिसे VIKL के नाम से जानते हैं, इन्होंने शबनम सैयद को अपना एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट चुना है पोस्ट पेड मार्केटिंग के लिए, ये आपको बताना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। लीजिए अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने भी चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर चुन लिया है मिस्टर AK विनोद को, और ये किसको रिप्लेस करेंगे, KL राजू को रिप्लेस करेंगे। और याद रखना ये जो बनाए गए हैं हमारे विनोद जी, ये CEO जो बनाए गए हैं मिनिमम 3 ईयर्स के लिए बनाए गए, मतलब 3 सालों के लिए कुछ चुना गया है कम से कम। लीजिए अगला न्यूज देखते हैं तो भाई, अभिनया दिनेश जो 15 साल की एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है, तो इसने बच्चों 3 विनर्स में शामिल हो चुकी है, जिसने आपका अभी एप्पल WWC 21 स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज अवार्ड को जीत लिया है, ठीक
ठीक है। और एक्चुअली इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है कैस्ट्रो एट होम, जिसके कारण इन्होंने ये अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे बेटा कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है हाल ही में, जो जापान और इंडिया के बीच में जो हमारा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेते हुए जो बातचीत हुई है, जिससे कि हमारा एम्प्लॉयमेंट और आपकी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, उसको अभी एमओयू को अप्रूव कर दिया गया है, किसके द्वारा? कैबिनेट ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जो मालदीव और इंडिया के बीच में जो हमारा एमओयू साइन हुआ है, उसको भी अप्रूवल कर दिया गया है। और ये जो एमओयूज हुए हमारे नेशनल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है ना, इन सब को लेके बात बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं भाई। अभी रिकॉर्ड सेटर कह सकते हैं, स्पिनस्टर ओलंपिक एक्टिविस्ट ली इवांस, इनकी डेथ हो चुकी है, और ये पहले मैन थे जिन्होंने 44 सेकंड में 400 मीटर को क्रैक किया था, याद रखना। और ये भाई 74 ईयर्स के थे, पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं लीजिए बच्चों, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल लेवल जो ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस जो इस साल अक्टूबर में होने वाली है बीजिंग चाइना में, उसको कौन होस्ट करेगा? चाइना होस्ट करेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। एक्चुअली ये जो है हमारी मई में होनी थी, लेकिन कोविड के कारण पोस्टपोन हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लॉन्च किया है फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। और इसका मेन पर्पस क्या है बच्चों, आपको समझ सकते हो, जो हमारे साइबर थ्रेट्स होते हैं उन सबसे निपटना इसका मेन पर्पस है, याद रखिएगा। 1 मिनट पानी पीता हूँ, फिर मैं आगे कहानी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेटा प्यास लगी बहुत तेज। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF का नाम सुना है, इन्होंने अभी डॉक्टर RS सोधी को चुन लिया है अपना बोर्ड मेंबर, यह ध्यान रखना। IDF के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है दोस्तों? बेल्जियम ब्रुसेल्स में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में 4 जून वाले दिन एक डे मनाया गया दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे, और ये हमारे जो बच्चों के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस डे को बनाया जाता है, ये भी बताना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, थावरचंद गहलोत जी के द्वारा लॉन्च किया गया है सेज प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, और ये हमारे जो एल्डरली पर्सन हैं यानी कि बुजुर्ग लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। लीजिए बच्चों, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेपरेट लिक्विडिटी विंडो लॉन्च किया गया है 15,000 करोड़ रुपए का, और ये हमारे क्या करेगा, जो इंसेंटिव्स है मतलब इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये दिया जाएगा, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, है ना, ट्रैवल एजेंट हो गया, इन सब पे, क्योंकि आपको पता है बच्चों यहाँ पे कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है। और यहाँ पे बोला गया है जो विंडो होगी, टेन्योर होगा इसका, 3 साल के लिए होगा, और रेपो रेट पर पैसा दिया जाएगा, और ये फैसिलिटी बैंकों के लिए 31 मार्च 2022 तक ओपन रहेगी, ऐसा आपको बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों को RBI ने बोला है कि आपको कोविड लोन बुक भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे RBI के द्वारा बोला गया है, याद रखिए। आगे देखते हैं। लीजिए बच्चों, अभी हाल ही में जून 2021 में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट्स को अनचेंज कर दिया है, ये पता होना जरूरी है, यानी कि वही है जो पहले थी, रेपो 4%, रिवर्स रेपो 3.35, MSF का है 4.25, बैंक रेट 4.25, CRR 4 और SLR 18% है। इसके अलावा जो रियल GDP की बात बोली गई है, प्रोजेक्टेड है RBI के द्वारा 9.5% बोली गई है 21 से 22 में, यहाँ पर RBI के द्वारा बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आप सब जानते हैं 5 जून वाले दिन होता है हर साल, तो इस बार भी 5 जून वाले दिन आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाया गया। इसका जो थीम है दोस्तों वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये भी पता होना चाहिए, और जो इस बार होस्ट कंट्री है वो है पाकिस्तान, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, याद रखिएगा। और ये पहली बार जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाया गया था दोस्तों 1974 में से बनाया गया था, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एक इनिशिएट किए गए हैं, इनिशिएटेड किया गया है लिस्ट ऑफ इनिशिएटिव, जिससे कि स्टेट स्कीम को मजबूत बनाया जा सके,
अब ये स्टेट स्कीम क्या है, पहले स्टेट का नाम जान दो, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, अभी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं जैसे ऑयल एंड गैस मेजर, जिसमें हमारे इंडियन ऑयल हो गया, HPCL हो गया, BPCL हो गया, गेल हो गया, IGL हो गया, इन सबके साथ मिलकर यहाँ पे हाथ पाँव मिलाए गए हैं, एग्रीमेंट किए गए हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज रखना, जो गेल है वो एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। लीजिए भाई, WHO ने अभी हाल ही में चाइना का सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन है उसको इमरजेंसी अब यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है, ये भी आपको सिंपल में पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, तमिलनाडु ने अभी लॉन्च किया है न्यू प्लान, कुछ नए प्लान लॉन्च करें, कब, अभी सेलिब्रेशन हुआ था 97th बर्थडे किसका, कलिंगनार, कलिंगनार के रेस्पेक्ट में जी में यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे जो है बच्चों एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है के रेस्पेक्ट में, कहाँ पे, मदुरई में, यहाँ पे बोला जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों लीजिए भाई, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा अभी हाल ही में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये जो आपका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे हुआ दोस्तों, रायपुर में हुआ है, याद रखिएगा, चलिए, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एक्ट। अब मतलब ये है, इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी सरकार के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो जो इसको नुकसान पहुंचाएगा वही उसका जिम्मेदार होगा, उसको इसकी रिकवरी करानी पड़ेगी। बहुत अच्छा एक्ट है दोस्तों, हरियाणा सरकार लेके आई है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड ने बोला है कि हमने 50,000 के अराउंड स्टार्टअप जो है रिकग्नाइज कर लिए हैं, ऐसा आपको बोला गया है। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो स्टार्टअप्स हैं वो महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के हैं, उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के और गुजरात के हैं, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लो भाई बच्चों, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है, और ये सिक्किम को सपोर्ट करने के लिए किया गया है, जिससे कि वहाँ पे आपका क्या हो, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है उसको अपग्रेड किया जा सके, ऐसा आपको बोला जा रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, ICICI बैंक जो है दोस्तों पहला फर्स्ट आपका एशिया पैसिफिक रीजन का बन चुका है, और सेकंड ग्लोबली बन चुका है, जिसने स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी लॉन्च की। तो स्विफ्ट GPI को लॉन्च करने वाला भारत का पहला देश ICICI, पूरे वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे है हमारा कौन, ICICI, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लो भाई भैया, अभी हाल ही में भारतीय अक्सर बैंक अक्सर लाइफ बैंक इंश्योरेंस ने दोस्तों टाई अप कर लिया है, एक बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है, किसके साथ, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, यह ध्यान रखिएगा। एक तरीके से बैंक इंश्योरेंस टाई अप में क्या होता है, बैंक के बिहाफ, बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर प्रोडक्ट को बेचता है, उसे बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में इंटर मिलन ने अपॉइंट करा है सिमोन इनगाजी को अपना कोच, जो कि अगर बात करा जाए ये यंगेस्ट ब्रदर है हमारे फॉर्मर एसी मिलन प्लेयर, जिनका नाम है कैचो फिलिपो इनगाजी, इनके ये बड़े एक तरीके से क्या है आपके यंगर ब्रदर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लो भाई बच्चों, तेलंगाना गवर्नमेंट गवर्नर ने अपॉइंट करा है भोपाल रेड्डी को प्रोटेम स्पीकर, सिंपली में प्रोटेम स्पीकर भोपाल रेड्डी ही बनाए गए हैं, किसके द्वारा, आपके तेलंगाना सरकार के द्वारा, ये बताना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए बच्चों, ओला ने अभी एलैबोरेट किया है, ओला कंपनी ने बोला है कि हम जो है CFO बनाया गया है, और उनके लिए नाम जो बनाया गया है GR अरुण कुमार जी बनाए गए हैं CHO के, ओला ओला के, ये आपको बताना जरूरी है, ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा ओला के। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों याद रखना, ओला मोबिलिटी के कौन बने हैं, स्वयं सौरभ जी बनाए गए हैं, ये भी आपको बताना जरूरी है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके बाद शेयर कर दो। ठीक है, चलो दोस्तों आगे की बात देखते हैं। अभी हमने कितने न्यूज़ कवर कर लिए होंगे दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है 100 के अराउंड तो पहुँच ही गए होंगे, है ना। एक काम करो, मुझे देख के बताना पड़ेगा आपको, बहुत सारे न्यूज़ हैं यार, एक मिनट जाओ दोस्तों, एक सेकेंड। नाइन्टी फोर यानी कि हम लगभग 90 के अराउंड न्यूज़ कवर कर चुके हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
बच्चों अगली न्यूज के बारे में बात करा जाए तो अभी ये काम करते हैं दोस्तों, 100 के अराउंड पढ़ लेते हैं पार्ट वन, फिर मैं पार्ट टू ले आऊंगा, है ना। चलो यहाँ तक रहने देते हैं 94 तक, 94 से आगे कहानी में अभी थोड़ी देर में ले आऊंगा, ठीक है। आपको पब्लिश कर दूंगा, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी हम यहाँ तक रुकते हैं कहानी को, अभी हमें पूरा करंट पढ़ना है। जब भी हमारा सारा करंट हो पाएगा दोस्तों, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी स्टूडेंट अगर अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है दोस्तों, उसको मेरा रेफर कोड शेयर करना मत भूलना, वो आप जरूर शेयर करते रहो। एक्चुअली मैं पार्ट में इसलिए जा रहा हूँ जिससे कि आपको आराम से भी याद हो जाए, अगर मैं एक साथ लिया हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर जल्दी हम आपसे, जब तक के धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।